अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आज हमारा मैथ का पेज नंबर 11 है और हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 6। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राइट दिस नंबर्स इन 10,000, 1,000, 100, 10th एंड 1s, यानी कि जो हमें वैल्यूज गिवन है उसको हमने 10,000, 1,000, 100 एंड 10th एंड 1s में लिखना है। ठीक है, जैसे ए पार्ट इज ऑलरेडी डन इन योर बुक। बी पार्ट में देखिए क्या वैल्यूज हमारे पास दी हुई है, 5, 6, 0, 1, 3। 3 इज मैंने ऊपर पेज वैल्यूज लिखी हुई ना, 3 इज कॉल्ड 1s, 1 is 10s, 0 is 100, 6 is 1000 and 5 is called 10,000। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5, 10,000, 6,000, 0, 100, 1, 10s and 3, 1s। इस तरह सी पार्ट में देखें 9, 4, 6, 0, 8, 9 को हम क्या लिखेंगे, 9, 10,000, 4,000, 600, 0, 10 and 8, 1s। इसी तरह डी पार्ट में देखें 8, 0, 3, 1, 9, इसको हम कैसे लिखेंगे, 8, 10,000, 0,000, 300, 1,10 एंड 0,1, 9 1s। ठीक है, इसी तरह हम ई पार्ट में देखें 1,00,23, इसको हम कैसे लिखेंगे, 1,10,000, 0,000, 0,100, 2,10 एंड 3,1s। इससे नेक्स्ट पार्ट आपकी बुक्स में है, आपने उसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। आगे आ जाए पेज नंबर 13 पे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट दी वैल्यूज ऑफ द सर्कल डिजिट्स, यानी कि आपने यहाँ पे जो वैल्यूज हमें गिवन है उसमें जिस पे सर्कल है उसकी प्लेस वैल्यू हमने बतानी है। ये देखें जैसे ए पार्ट आपके बुक पे डन है, बी पार्ट में देखें ऊपर मैंने वैल्यूज लिखी हुई ना, 1s, 10s, 100, 1,000 एंड 10,000। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, 8,994, 4 इज सर्कल है तो उसको हमने 4 में क्या है, 1s, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 1s और 4, यानी कि यहाँ पे यहाँ तो उसको 4 1s लिखें या 4 लिखें। इसी तरह सी पार्ट देखें 2 1 6 0, 1 इज सर्कल एंड 1 इज 10 for 100, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 100 और 1,00। डी पार्ट इज 3 4 8 0, 3 इज सर्कल, 3 इज 10 for 1,000, 3,000 और 3,000। अब इसी तरह ई में, ई पार्ट में 6 2 0 4 8, इसमें 6 सर्कल है उसमें हमने क्या है, 6 पे क्या वैल्यू आ रही है, 10,000, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 6 10,000 और 60,000। इसे नेक्स्ट पार्ट अब आपकी बुक पे, अब हमने इसमें प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।